85 साल की तो मौसी जी है, 90 साल तो ऊपर है ताई जी। सब पे डांट पड़ती है, बहुत परेशान करते हैं वैसे तुम काम। जी लड़ते कहा हसी तो मुझे जब आ जाते बड़े मुझे कहा। बड़े सालों से बड़ी और छोटी बुआ मुझे गांव बुला रही थी, मिलने आओ, टाइम निकालो, कभी तो आओ। इस बार मौका मिला, सोचा मिल ही आऊं, देखा हूं क्यों इतना पीछे पड़ी। मेरे जो हस्बैंड थे मैथमेटिशियन होने के कारण वो थोड़े से एबनॉर्मल भी थे, थोड़े से एबनॉर्मल तो हमारे भी थे। जब उनकी सबकी डेथ हो गई फिर उसके बाद ये बोली कि चलो गांव में रहेंगे। जब से गांव में आए तब से मतलब फ्रीडम महसूस करती हूँ। मैंने यहाँ एक कमरा बहुत दिन से मांगा था, मनोज ने अपने मन में कर लिया था कि एक न एक दिन मैं अपनी माँ को ये जगह लेके दूंगा। ये बड़ी बुआ जी, ये तुम्हारी, हाँ, ये पार्टीशन टॉप का पहनना, टॉप का खाना, टॉप हर एक चीज टॉप पर होनी चाहिए, दिन और रात इसी में लगी रहती है, मैं इतना नहीं। इसीलिए तो बुआ कहती है कि तुम और वो अपोजिट हैं। हाँ अपोजिट है, तुम्हें हमारी सारी बात बुरी लग जाती है। तुम कहती है ऐसे, मैं क्या करूँ, तुम डांटती रहती हो सारे दिन। ये तो अपने लिए अब जी रही है, एक्सरसाइज करेगी या पूजा करेगी या शाम सोएगी या जो भी कुछ करेगी, केवल अपने लिए। अब तो पता शॉपिंग भी कैसे करती हूँ। तुम्हारी मम्मी कहती थी ये लोग बिल्कुल बेमुल्की नवाब हैं। परमात्मा ने बुढ़ापे में मुझे जो देता जा रहा है मैं उससे बहुत सुखी और सुंदर। क्या तुम्हारा सबसे सुखी टाइम है ये? इसमें कोई शक नहीं। और तुम भी तो सुखी हो बुआ। मैं तो सुखी हूँ। हाँ मतलब सुखी ही हूँ। हाँ बिल्कुल। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि अगर ये पहले चली गई तो क्या होगा। मौत तो आनी है, चाहे कल आए चाहे परसों आएगी, तो क्या करें, टिकटी सजा के वहाँ बैठ जाएं कि कब आए कब बैठे इसमें।